हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मेरे इन गुलाबों के बारे में नहीं बोलूँगी। आज मैं आप लोगों के साथ मेरे क्लाइंबिंग रोज़ को, एक महीना जैसा हो गया है तो आज हमें वो प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है, तो मैं क्या फर्टिलाइज़र डालती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और साथ में क्लाइंबिंग रोज़ का कम्प्लीट केयर टिप्स भी आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। मतलब इन प्लांट्स को हमें पॉट में ग्रो करने के लिए कैसे, कितना धूप देना है और साथ में कितना पानी देना है, साथ में स्पॉटिंग मिक्स कैसा बनाना है, कैसे रिपोर्टिंग करना है, उसके ऊपर तो मैंने अलग से वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। ग्राउंड में और पॉट में ग्रो करने के लिए कैसे करके हमें पॉटिंग मिक्स बनाना पड़ता है, तो वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहीं से चेक कर सकते हैं। और तो आज मैं इन प्लांट्स को पॉट में ग्रो करने के लिए फर्स्ट टाइम हमें कैसा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, यानी रिपोर्टिंग करने के बाद फर्स्ट टाइम हमें कैसा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और हमने आप लोगों के सामने ही एक प्लांट रिपोर्टिंग किया था, क्लाइंबिंग रोज़, तो वो एक महीना जैसा हो गया है। ऐसे तो 20 to 25 डेज़ के अंदर ही इन प्लांट्स को रिपोर्टिंग करने के बाद हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है, तो आज मैं उसी प्लांट में फर्टिलाइज़र डालूँगी और साथ में आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगी। और ये जो क्लाइंबिंग रोज़ है फ्रेंड्स, ये कुछ दिन यानी मार्च अप्रैल का वीडियो है, तो अब ऐसा करके इन प्लांट्स में बहुत सारे फूल खिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को आप अगर पॉट में ग्रो करते हैं तो अब आपको विंटर का फुल सनलाइट देने से बहुत ही अच्छा होता है, नहीं तो कम से कम 5-6 घंटे का धूप मिलने से ये प्लांट में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, लेकिन ग्राउंड में होने से 2 घंटे का जैसा धूप मिलने से भी ऐसा करके फ्लावरिंग करते हैं। और साथ में पॉट में हमें ग्रो करने के लिए इन प्लांट्स को हमें हर वक्त मॉइस्ट रखना पड़ता है, तो जब आप देखें ऊपर का मिट्टी थोड़ा सा सूख गया है तब दोबारा आप इन प्लांट्स में पानी डालिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक महीना जैसा हो गया है, इसको हमने रिपोर्टिंग किया था और आज हम इस प्लांट में पहली बार फर्टिलाइज़र डालेंगे। और देखिए बहुत सारे घास फूस उग गया है मिट्टी में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी जैसे समर चल रहा है, इन समर में आपको 3 घंटे का धूप मिलने से ही काफ़ी है, फुल सनलाइट में नहीं रखना है, ऐसा धूप मिलने से ही अच्छा है, 3-4 घंटे का धूप मिलेगा वही काफ़ी है, तो ऐसा करके आप धूप दे सकते हैं, विंटर में फुल सनलाइट दे सकते हैं या फिर 5-6 घंटे का धूप दे दीजिएगा पॉट में, तब बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और अभी हमें देखिए वो जितना भी जंगल वगैरह उगा था वो सबको हमें हटा देना चाहिए, उसके बाद ऐसे करके मिट्टी को थोड़ा सा गुड़ाई कर लेना चाहिए, उसके बाद हमें फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। तो आज मेनली जो मेरा टॉपिक है वो तो फर्टिलाइज़र के ऊपर ही है, फर्स्ट टाइम हमें कैसे करके फर्टिलाइज़र डालना है और क्या फर्टिलाइज़र डालना है इस मानसून के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ये है फर्टिलाइज़र जो मिला के रखा है, तो यहाँ पर आपको 2 चम्मच जैसा मस्टर्ड केक पाउडर लेना है, 1 चम्मच हॉर्न डस्ट और 1 चम्मच ब्लड मिल लेना है। अगर ये दोनों आपके पास नहीं है, हॉर्न डस्ट और ब्लड मिल, तब आपको 1 चम्मच वो जो यूरिया है वो लेना है आपको, उसके बदल में हॉर्न डस्ट और ब्लड मिल के बदल में। और साथ में बोन मिल लेना है 2 चम्मच, और बोन मिल अगर आपके पास नहीं है तब आपको 1 चम्मच सुपर फॉस्फेट लेना है, और साथ में 1 चम्मच आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है। तो ये सबको मिला के आपको 4 चम्मच जैसा प्लांट्स में डालना है। और साथ में देखिए, ये मैंने फार्मी कंपोस्ट भी एक मुट्ठी डाल दिया, तो अगर आप फार्मी कंपोस्ट ऐसे करके डालते हैं तब आपको 4 चम्मच वो सबको मिला के 4-5 चम्मच जैसा आप दे सकते हैं, 3-5 चम्मच तक दे सकते हैं। और अगर आप फार्मी कंपोस्ट नहीं डालते हैं तो फिर आपको जितना मैंने बोल दिया वो सारे मिट्टी में ऐसे करके डालना है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सारे फर्टिलाइज़र्स नहीं हैं तो फिर आप 1 मुट्ठी मस्टर्ड केक पाउडर और साथ में 1 चम्मच DAP और 1 चम्मच
मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट। तो ये तीनों को अच्छे से मिला के आप ऐसा करके, बिल्कुल ऐसा ही करके आप प्लांट्स के चारों तरफ डालिएगा तो आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। और मैंने जो पहला वाला फर्टिलाइज़र बोला वो, उसमें जो बोन मिल है अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके बदल में आप एक शेल पाउडर भी डाल सकते हैं, यानी अंडे का जो सिल्का होता है उसको अच्छे से सुखा के पाउडर बना लीजिएगा तो वो भी आप डाल सकते हैं उसके बदल में। और हॉर्न डस्ट और ब्लड मिल के बदल में बोल ही दिया आपको यूरिया डालना है। और फिर अगर ब्लड मिल नहीं है, हॉर्न डस्ट है, तो अब आपको हॉर्न डस्ट 2 चम्मच डालिएगा हो जाएगा, या फिर ब्लड मिल है तो ब्लड मिल ही 2 चम्मच डालिएगा तो हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको क्लाइंबिंग रोज को फर्टिलाइज करनी है अगर आपके प्लांट पॉट में है तब, और अगर ग्राउंड में है तो फिर अभी कोई भी फर्टिलाइज़र डालने का ज़रूरत नहीं है, बस आप अक्टूबर महीने से फर्टिलाइज करना शुरू कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो कम से कम दिसंबर से फर्टिलाइज करने से बहुत ही अच्छे से ऐसा करके फ्लावरिंग करेगा। और फ्रेंड्स, इन प्लांट्स को आप अगर पॉट में है तो आपको फिर एनपीके हर हफ्ते 1 दिन एनपीके का स्प्रे कीजिएगा, और साथ में पेस्टिसाइड फंगिसाइड वो सब हफ्ते में 1 बार स्प्रे ज़रूर कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही करके आप अपना क्लाइंबिंग रोज का केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट्स बहुत ही अच्छा रहेगा। और इतना ही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ में वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। तो इसके लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा, और साथ में हमारे लिए भी थोड़ा सा दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।